हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस एक्सरसाइज इज अबाउट हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड। हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड की जनरेटिंग लाइन निकालनी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये हम देखेंगे पहले वीडियो में। देन उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम। ओके, नाउ हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी जनरेटिंग लाइन्स हमें निकालनी है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2z। ओके, और हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2 अपॉन में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। और वन मोर थिंग, इन वन मोर वे, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी अपॉन में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो नाउ लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम अगर हम में लिखना चाहें तो एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी से दिस इज इक्वल टू, इस फर्स्ट टर्म को इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा जी देन 2 अपॉन में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई लैम्डा। ठीक है, दोनों टर्म्स को अगर हम लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो ये बन जाएगी एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, और इसको भी बिकॉज दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं, एक ही नंबर के इक्वल रखी जानी है। ये चीज़ आपने कैसे समझनी है, मान लीजिए आपने इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया तो फर्स्ट टर्म जब लैम्डा के इक्वल है तो जी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, वी लेफ्ट विद द इक्वेशन। ओके, नाउ इसी तरह से ये भी टर्म लैम्डा के इक्वल है, देन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी लैम्डा अपॉन 1 इसके इक्वल है ये टर्म, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया और लैम्डा 2 के नीचे मैंने लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया। तो ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड आपका इस इक्वेशन के, और इसी तरह से यहाँ पे इसको अगर म्यू के इक्वल हम म्यू के इक्वेट अगर हम कर देते हैं, ठीक है, म्यू के इक्वेट अगर हम कर देते हैं तो एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2 बाई और 1 बाई म्यू के इक्वेट कर दो या म्यू के इक्वेट कर दो, सेम थिंग। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू म्यू जी। तो इक्वेशन 2 और 3 के लोकस से हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। नाउ ये लैम्डा सिस्टम और ये म्यू सिस्टम, ये हमें देंगे क्या, जनरेटर ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की जनरेटिंग लाइंस की। तो देन अगेन सेम है, सिमिलर जिस तरह से हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट में था, वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासेस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। जनरेटर पास करता है, ये समझ लीजिए, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड से भी, और जनरेटर ऑब्वियसली हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट से भी पास करते थे। एंड सेकेंड इज नो टू जनरेटर ऑफ सेम सिस्टम, सेम सिस्टम के, मान लीजिए लैम्डा सिस्टम लिखा हुआ है ए और बी इक्वेशन में, तो लैम्डा सिस्टम के अगर आप दो जनरेटर लोगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सेम है ये भी प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ भी आपने खुद से करना है, प्रूफ बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। थर्ड इज एनी टू जनरेटर्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम ले लिए, एक ये लैम्डा सिस्टम और म्यू सिस्टम ले लिया, डिफरेंट सिस्टम ले लिए, इसके जनरेटर जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये अगर हम देखना चाहें कि इसका प्रूफ किस तरह से है, देन आपने ए और सी इक्वेशन ले ली, ए और सी इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा जी इक्वल्स टू 2 बाई म्यू। ठीक है, तो जी की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में लैम्डा म्यू। यहाँ से इसकी इस जी की वैल्यू अगर हमने रख दी फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर हमने रख दी, तो एक्स फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2 बाई म्यू। ओके, और डी इक्वेशन यहाँ पे अगर हम रख देते हैं जी की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, देन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2 बाई लैम्डा। वाई की टर्म एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई a टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में लैम्डा म्यू।
ए की वैल्यू निकालने के बाद वाई की वैल्यू के लिए यहाँ पुट कर दें और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई बी टाइम्स म्यू माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा म्यू। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू ए टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में लैम्डा म्यू, बी वाई की वैल्यू बी टाइम्स म्यू माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा म्यू एंड सी की वैल्यू है टू अपॉन में लैम्डा म्यू। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया डिफरेंट सिस्टम के जनरेटर्स का। क्लियर? नाउ अगेन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे वो लिखी थी लास्ट में हमने, जैसे सिमिलर उसी तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड x इज इक्वल टू a टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में लैम्डा म्यू, y इज इक्वल टू b टाइम्स म्यू माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा म्यू, z इज इक्वल टू 2 अपॉन में लैम्डा म्यू। ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। क्लियर? तो अब ये इंट्रोडक्शन था और कुछ प्रॉपर्टीज थी हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सो थैंक यू।